हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट, किसी आव्यूह की शून्यता। इसके पहले हम आप लोगों के लिए आव्यूह की जाति भी बता चुके हैं कि किस प्रकार ज्ञात करनी है। यहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों के लिए किसी आव्यूह की शून्यता, तो और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे अपन आव्यूह की शून्यता बता रहे हैं। इसके पहले आप लोग आव्यूह की जाति देखने के लिए आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, सेकंड पेपर की और फर्स्ट पेपर की भी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की कर दी थी, तो आप लोग देख सकते हो जाकर। और जो भी मिस्टेक हो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, हम अपनी गलतियों में सुधार करेंगे, ठीक है। अब आव्यूह की शून्यता किस प्रकार देखनी है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जैसे कि आप लोग के लिए दो नंबर में पूछा जाए कि आव्यूह की शून्यता क्या कहलाती है, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यदि ए क्या है, यहाँ पे अपना एक आव्यूह है, एक वर्ग सम आव्यूह है, ठीक है। अगर ए क्या है, वर्गसम आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या एन हो, रो की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या एन हो, तथा आव्यूह जाति आर हो, ठीक है, तब आव्यूह की शून्यता को एन ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तब आव्यूह की शून्यता को एन ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। शून्यता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन ऑफ ए से, इतना याद रखना है। तथा निम्नानुसार परिभाषित करेंगे, परिभाषित किस प्रकार करना है ये देखना है, ठीक है। तब निम्नानुसार तथा निम्नानुसार परिभाषित करेंगे, ठीक है। अभी यह आया समझ में, यानी कि जो एक आव्यूह दिया रहेगा वो अपना वर्गसम आव्यूह होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या अपनी क्या होगी, एन होगी, तथा आव्यूह जाति आर होगी। फिर इसके बाद अपन इसको प्रदर्शित करेंगे एन ऑफ ए से, और परिभाषित करना है एन ऑफ ए इज इक्वल टू अपना एन माइनस आर, यानी रो की संख्या जो रहेगी उसमें से अपन को जाति को माइनस कर देना है, या तो अर्थात अपन ऐसा भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए यानी और एन माइनस रो ऑफ ए, क्योंकि जाति को अपन रो ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग आव्यूह की जाति भी हम इस वीडियो में दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार अपन को ज्ञात करना है। जब आप लोग के लिए जाति पता होगी तभी तो आप लोग शून्यता ज्ञात करोगे, ठीक है। तो जाति आप लोग के लिए मैंने तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और हम यहाँ पे भी आप लोग के लिए क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो अपना आव्यूह जाति, आव्यूह जाति के लिए आप लोग के लिए देखो आव्यूह दिया रहेगा, जैसे कि अपना ये आव्यूह दिया होगा, ये अपना 3x3 का आव्यूह, तीन रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। तो इसकी जाति जैसे अपने की मतलब तीन होनी चाहिए, और अगर मॉड ऑफ, देखो सबसे पहले अपन मॉड ऑफ ए निकालेंगे, इसका मॉड ऑफ ए यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर मॉड ऑफ ए